हाल ही में दिल्ली में एक शर्मनाक घटना सामने आई थी। आरोपी गलत तरीके से कॉलेज में घुसे, कुछ ने तो दीवार फांदी। एक फेस्ट के दौरान पुलिस और कॉलेज की सिक्योरिटी तैनात थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बताया जा रहा है कि जो लड़के कॉलेज में घुसे वे सीएए के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और अंदर जाते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस घटना की अधिक जानकारी एनडीटीवी के रविष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में दी। संगीत का कार्यक्रम होता रहा और 3 घंटे तक भीड़ बढ़ती रही। लड़कियां चेन बनाकर खुद को ही बचाने का प्रयास करती रहीं। यही नहीं, कॉलेज के मैदान का जो हिस्सा डियर पार्क से लगा है, वहां की दीवार पर लगी जाली फांदकर भी मर्द भीतर आ गए। कई लड़कियों ने बताया कि जो भीतर आए थे उनमें से ज्यादातर 25 साल से अधिक उम्र के थे। अगले दिन कॉलेज बंद हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लड़कियां अपना अनुभव लिखने लगी कि क्या क्या हुआ। भीतर घुस आई मर्दों की भीड़ दारू पीने लगी थी, लड़कियों के ऊपर दारू फेंकने लगी, मैदान में बैठकर मर्द सिगरेट पीने लगे, फप्तियां कसने लगे, शरीर के अंगों को छूने लगे। स्टेज के पास गार्गी की लड़कियों के लिए एक बैरिकेड एरिया बना था। जो लड़कियां बैरिकेड के बाहर रह गई उनके अनुभव बहुत बुरे रहे। वरिष्ठ पत्रकार शिवानी पांडे लिखती हैं, चलिए मान लेते हैं कि जेएनयू में सब देशद्रोही रहते हैं, जामिया में सब मुसलमान, एचसीयू में सब रोहित वेमुला के समर्थक, बीएचयू और रामजस कॉलेज में अर्बन नक्सल रहते हैं, लेकिन कार्की कॉलेज में तो आपके घरों की बेटियां ही रहती हैं, वो तो राजनीति भी नहीं करती, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों से भी अलग रहती हैं। उन पर हमला क्यों हुआ? वो तो अपना संगीत का कार्यक्रम कर रही थी, कोई एनआरसी या सीएए के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं, तो फिर इन लड़कियों पर हमला क्यों? वो तो आपके बनाए अच्छे बच्चों की कैटेगरी में फिट बैठती है ना, पढ़ती हैं बस, तो फिर उनकी छातियों पर क्यों हमले किए गए? क्यों इनके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया? ये जय श्री राम बोलने वाले है कौन? कौन है ये भारत माता की जय बोलने वाले जो राम और भारत माता का नाम लेकर आपकी बेटियों पर हमला कर रहे हैं? जिन सरकार और कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि सुरक्षित होना है तो इस तरह के कार्यक्रमों में मत आओ। अगर एक क्षण के लिए इस तर्क को मान भी लें तो जेएनयू की लड़कियों को हॉस्टल में नहीं होना चाहिए और बीएचयू और रामजस की लड़कियों को तो कॉलेज में ही नहीं आना चाहिए, उन पर तो कॉलेज में ही हमला हो रहा था। कुल मिलाकर सरकार, प्रशासन और मीडिया ये विमर्श फैला रहा है कि लड़कियों की सुरक्षा उनकी खुद की जिम्मेदारी है, ना कि प्रशासन की। और अगर ये विमर्श फैल गया तो यकीन मानिए, आपकी लड़कियों को उनके अपने शरीर पर अधिकार नहीं रहेगा। ये जय श्री राम और भारत माता की जय बोलकर लड़कियों पर हमला करने वाले मर्द उन्हें घर के बाहर और घर के अंदर भी नहीं छोड़ेंगे, उनके जिस्म को नोच डालेंगे। उस दिन के इंतजार से पहले बोल दीजिए ना कुछ प्लीज। और हाँ, अगर आप भक्त भी हैं तो ये आपके भगवान के लिए भी खतरा है। कोई आपके भगवान का नाम लेकर लड़कियों की छातियों को दबा रहा है तो ये उसका भी अभिमान है और आपका भी। तो लड़कियों की इज्जत के लिए ही ना सही, अपने भगवान की इज्जत के लिए ही गार्गी की लड़कियों और उन तमाम लड़कियों के पक्ष में खड़े हो जाइए जो इस दौर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही हैं। अगर आपने जेएनयू, जामिया, एचसीयू, बीएमयू, एएमयू की लड़कियों के पक्ष में कुछ बोला होता और सरकार ने कार्रवाई की होती तो तय मानिए, गार्गी वो गार्गी नहीं होता जो आज हो गया है। इस मुद्दे पर मेनस्ट्रीम मीडिया भी चुप दिखाई दे रही है। जब किसी एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है तब न्यूज एंकर रोने लगते हैं। अब तो ये पूरे कॉलेज के साथ हुआ है, अब उनके आंसू कहाँ हैं? आप समझ रहे हैं उस लड़की के साथ क्या बीती होगी? उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था। सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती? इस मुल्क में वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी? क्यों? कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे? और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व सांसद चिन्मयानंद, जो यौन शोषण के मामले में दोषी हैं, जब बेल पर जेल से बाहर आए तब वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे।
इतना ही नहीं, बात करें अगर बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी की, तो अब वो क्यों चुप है। स्मृति ईरानी अक्सर महिला की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता में दिखाई देती हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी ने इंडिया को एक रेप कैपिटल बोला था तो स्मृति ईरानी ने संसद में राहुल गांधी पर हमला बोला था और कहा था कि राहुल गांधी ने भारत की महिलाओं का अपमान किया है। संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। पर गार्गी कॉलेज के मामले पर अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस घटना के समय बाहर खड़ी थी और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब कोई शरेआम गोली चला रहा था तब भी पुलिस खड़ी गोली चलने का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी आरोपियों का साथ दे रही है। अगर हमारे नेता ऐसी नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो समाज भी हमारा यही सीखेगा। ऐसी घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि देश हमारा अब पीछे की ओर जाना शुरू हो गया है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.